वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। क्या सुनील जी आप मानते हैं 400 पार का आंकड़ा, 400 पार का आंकड़ा दलितों को समाजवादी पार्टी के तरफ, मतलब समाजवादी पार्टी के नजदीक कर गया और बीजेपी के वोटर्स को कॉम्प्लेसेंट कर गया। उसको ये लगने लगा कि मोदी जी 400 पार तो ला ही रहे हैं, हम बहुत एग्रेसिव वोटिंग नहीं भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मौसम का भी एक ऐसा मिजाज था। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं भी घूम रहा था तो कई सारे ऐसे वोटर्स बोल रहे थे कि अरे इस बार 400 पार तो हो ही रहा है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या 400 पार का जो इनका नारा था वो वाकई दलितों में इस तरह का डर पैदा कर दिया कि ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे? और दूसरा, जो बीजेपी के वोटर्स थे उनमें एक तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि हमें बाहर निकलने की जरूरत क्या है, ऐसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन ही रहे, क्या ये वजह आपको दिखाई पड़ती है क्या? क्योंकि कई लोगों ने इसकी चर्चा की। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। आ गई आवाज, आ गई। केवल 400 पार का ही नारा नहीं था, इनके तमाम बड़े नेताओं ने बयान दिया कि संविधान को बदलने के लिए 400 पार का नारा चाहिए। लल्लू सिंह जी जो फैजाबाद में हारे हैं उन्होंने भी नारा दिया था कि 400 पार नारा चाहिए। अनंत हेगड़े साहब ने नारा दिया था कि संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा, 400 पार से ज्यादा सीटें चाहिए। कंगना राणाव जी ने भी ये कहा था कि संविधान बदलना है और 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। ऐसा नहीं था कि केवल चार, हाँ दोनों चीजें मिल करके ये डाउन द लाइन इसका मैसेज ये गया कि ये सरकार संविधान बदलना चाहती है, ये सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। और यह भी कोई कपोल कल्पना नहीं थी, पिछले 10 साल में अगर आप सरकारी नौकरियां नहीं देंगे तो आरक्षण किस बात का, अगर आप सार्वजनिक उपक्रम को बेच देंगे तो नौकरियां कहां मिलेंगी, अगर आप रेलवे जैसे अर्धसैनिक बलों में भी अगर आप भर्तियां नहीं करेंगे तो नौकरी कहां से मिलेगी। आप नौकरी देते हुए दिखे नहीं, संविधान बदलने का नारा देते हुए दिखे, और संविधान बदलने के नाम पर 400 सीटें भी आप मांग रहे थे। तो यह निश्चित रूप से उस समाज में, दलित समुदाय में और समाज के पिछड़े वर्गों में ये संदेश गया, और वहां की सिविल सोसाइटी ने बहुत सक्रिय रूप से काम किया कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। और पहले से ही जो एग्रेसिव हिंदुत्व तो था उसको लेकर के भी समाज में पहले से ही एक तरह का आतंक का माहौल था, एक तरह का भय का माहौल था, वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व के एटमॉस्फेयर में दलितों का कोई स्थान नहीं है, अब कहीं उसकी कोई कीमत नहीं बनेगी। यह पूरे का पूरा जो घटनाक्रम रहा, उस घटनाक्रम में लोगों के अंदर ये विश्वास बनाए कि बीजेपी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। रोजगार एक बड़ा मुद्दा था, रोजगार के मुद्दे पर तो लगातार आप सोचिए कि पेपर लीक का मसला उठा करके आप राजस्थान में कांग्रेस सरकार से हमलावर हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की बात भी आप नहीं करेंगे तो ये कैसे चल पाएगा, लोग कैसे आपको स्वीकार कर लेंगे। केवल यही स्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे चलाने की कोशिश कर रही थी और जो रियल मुद्दे थे उनसे लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही थी। इस बात में रुद्र विक्रम सिंह की इस बात में सच्चाई है कि राजपूत समुदाय में वो उत्साह नहीं था जो उत्साह पिछले दो चुनावों में था। परिणाम इसका क्या हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की बात होती थी वह माहौल बनाने वाला कोई समुदाय इनके पास रह नहीं गया। और यह भी है अगर, लेकिन केवल लेने के बाद राजपूत वोट, अगर राजपूत वोट नहीं दिए तो या राजपूत बीजेपी के साथ बने रहे तो फिर नीरज शेखर कैसे हार गए, वो तो ठाकुर का चेहरा है। दिनेश प्रताप सिंह क्यों क्या किया बुरी गत क्यों हो गई, वो भी ठाकुर का चेहरा है, मजबूत ठाकुर नेता ने। एक है क्या कि एक वर्ग में नाराजगी बनी और वह नाराजगी केवल ये थी जो आप बात कर रहे हैं कि 400 पार हो ही रहा है इसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो राजपूतों की नाराजगी और उनके निष्क्रियता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता और अति आत्मविश्वास, दूसरी चीज जनता को बताने के लिए कार्यकर्ताओं के पास कुछ नहीं था, जो जनता के बीच में विमर्श था उन विषयों पर बोलने के लिए आगे पास कुछ नहीं था,
जनता से पूछ रहा, सवाल क्या थे कि साहब रोजगार, सवाल क्या थे आरक्षण, सवाल क्या था किसान, इन विषयों पर बात करने के लिए आपके पास कुछ नहीं था। आप कहते थे कानून व्यवस्था, अरे कानून व्यवस्था अगर इतनी बढ़िया थी तो पेपर लीक कैसे हो जिसकी बात की जा रही है, लोग जोड़ के बात कर रहे हैं। अगर आप अपने मतदाताओं को अपने समर्थ आप कर अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं के बल पर थोड़ा चुनाव जीत सकते हैं, आपको ऐसे मतदाताओं के समर्थन चाहिए जो किसी पार्टी के समर्थन। पॉइंट टेकन सुनील जी, लेकिन मैं अथर हुसैन साहब से पूछना चाहूंगा कि 2022 और 24 में इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया? क्या पीडीए का फॉर्मूला इतना बड़ा फर्क ला दिया या ये पेपर लीकेज? अब लोग असली मुद्दे पे आना शुरू हो गए, क्योंकि यही सरकार 2022 में प्रचंड बहुमत से जीतती है, विधानसभा में सरकार बनाती है, और 2024 आते आते इस सरकार की हवा निकल जाती है, इस पार्टी की हवा निकल जाती है। तो 2022 से 24 तक के बीच में आपको बड़ा अंतर क्या दिखता है? क्या अखिलेश यादव का वो पीडीए का फॉर्मूला, आप नौकरी के मसले पर गवर्नमेंट का फेल होना, पेपर लीक होना, युवाओं में निराशा का भाव, रोजगार को लेकर के निराशा का भाव, क्या ये सारे फैक्टर्स थे जिसके आउटकम 2024 में नजर आ गए? ये दो साल राजनीति में बहुत होता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो मैं कहूंगा कुछ ज्यादा ही होता है। इसका पिछला उदाहरण 2012 में इसी भारतीय जनता पार्टी को असेंबली में मात्र 43 सीटें मिली थी, और जब 14 लोकसभा हुआ तो उनको 73 लोकसभा सीटें मिली, जिसमें 358 असेंबली सेगमेंट्स में लीड, तो वो भी दो ही साल का वक्त था। और 2022 में समाजवादी पार्टी को 26 लोकसभा की लीड थी अपनी मिटी। अगर हम इसका एज अ पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो आप जाके अगर उनकी 43 लीड है और एक रतन शेखर ये जीते हैं, वो अलग से लड़े थे, और बीजेपी मात्र 36 पे है अपने सहयोगियों के साथ, तो मोमेंटम था। मैं कहता हूँ मोमेंटम 22 में था, वोट परसेंटेज में भी था, और अखिलेश यादव अपने खुद के पैरों पे खड़े होकर एक बड़े नेता हो रहे हैं। और ये बात आ रही है कि योगी जरूर बहुत बड़े योगी, यहाँ के जो सीएम हैं उनकी छवि और एक वो एक डायनेमिक लीडर है बीजेपी में, पर ये 24 का चुनाव जनता भी देख रही थी और जो पॉलिटिकल वर्कर पॉलिटिकल क्लास अक्रॉस द स्पेक्ट्रम भी देख रहा था कि चुनाव मोदी वर्सेस अखिलेश हो गया। अखिलेश चेहरा थे अपोजिशन अलायंस के और मोदी के नाम पे सारे कैंडिडेट्स थे, और ये चुनाव में कहीं ना कहीं जो अखिलेश ने एज ली है वो मैं फिर कहूंगा जो माइक्रो मैनेजमेंट है कास्ट का वो उन्होंने बेहतर किया, जो भारतीय जनता पार्टी इसमें पहले सफल थी 2014 से। और दूसरा जो जिस तरह से उन्होंने अपनी इमेज को एक बनाए रखा, मतलब ना सत्ता में रह के और जिस विनम्रता और शालीनता के साथ उन्होंने राजनीति की है, इस तमाम मैं कोई इसमें पर्सनल इसलिए वर्ड एडजेक्टिव यूज कर रहा हूँ कि यही मेरा असेसमेंट है जो कंपैरिजन ग्राउंड पे है, और उसके कंपैरिजन जो टॉप की लीडरशिप थी बीजेपी की, क्योंकि मैं फिर योगी जी को हटा रहा हूँ, उसमें तमाम केंद्रीय मंत्री, चाहे वो अमेठी के केंद्रीय मंत्री हों, चाहे वो लखीमपुर खीरी के केंद्रीय मंत्री हों, चाहे वो मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री हों, फतेहपुर में हों, आपके लखनऊ के लखनऊ में मोहनलालगंज में हों, इनका जो एज अ सेंट्रल मिनिस्टर जो डिलीवरी भी कह लीजिए और जो इनका कार्यकर्ताओं के साथ जो रख रखाव था और जिस तरह से इनका एक आम जनता के साथ जो एक वो होना चाहिए, क्योंकि कई विजुअल्स आए हैं आपने देखा होगा उनके स्मृति ईरानी जी के, वो किस तरह से मीडिया के फंक्शनरी के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं कि उनको कुछ अटपटा लगा तो कह दिया कि मैं तुम्हारे मालिक से बात करूंगी, तो ये सब विजुअल्स ऐसा नहीं कि जनता के जहन में नहीं होते हैं। तो आपके पास डबल इंजन की सरकार है, आप ग्राउंड पे डिलीवर कर नहीं रहे हैं, नौकरियों का मुद्दा हो, चाहे एग्रेरियन क्राइसिस हो, किसानों की आय दुगनी हो, ये तमाम वो मुद्दे हैं, और उसके बाद भी अगर आपके अंदर शालीनता नहीं है। चलिए, एकदम वेरी वेरी वेल सेड। दरअसल ये बात बिल्कुल सही है कि लगातार सत्ता में रहने के बाद जब कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस
और ओवर कॉन्फिडेंस आपका एरोगेंस में बदलने लगता है तो फिर जनता जवाब देना शुरू कर देती है। यही हाल यूपीए में कपिल सिब्बल के साथ भी हुआ था, कई सारे ऐसे मंत्री के साथ हुआ जो कि नजर नहीं आए, जो कि इतने पावरफुल और कद्दावर मंत्री, सलमान खुर्शीद, हाँ बहुत सारे ऐसे मंत्री थे जो कि नजर नहीं आए और उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ। तो मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा विक्रम सिंह, आप हाथ उठा रहे थे, आप जो कहना चाह रहे थे आप कहिए, लेकिन एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि यूपी में इतने बड़े पैमाने पे केंद्रीय मंत्रियों की हार की वजह क्या है? स्मृति ईरानी हार जाती, बड़ी मंत्री सरकार की बड़ी चेहरा वो हार जाती है और उनको हराते भी कौन है? तो एक कांग्रेस के बहुत नामचीन तो वो थे नहीं, उनको 1,65,000 के आसपास, 1,67,000 वोटों से हरा देते हैं। टेनी हार जाते हैं जिसको लेकर के कितने समय से बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगते रहते हैं। और सवाल ये उठता है कि इस तरह के कई मंत्री चुनाव हार जाते हैं, महेंद्र नाथ पांडे हार जाते हैं, वजह क्या दिखाई पड़ता है? आप अगर इतने केंद्रीय मंत्री किसी राज्य के चुनाव हार जाए तो इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि उस पार्टी का उस राज्य में बंटाधार होना तो तय है। आखिरकार वो वजह क्या थी? क्या इनका पब्लिक कनेक्ट कम हो गया था, ये लोगों के बीच में एक्सेसिबल नहीं थे? वी गॉट प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।